दिवाली के बाद बचे हुए दियों का क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, दिवाली में प्रकाश उत्सव मनाते हैं और दीपक जलाते हैं, 5 दिन का पर्व होता है, लेकिन क्या आपको पता है दिवाली के बाद लोग बचे हुए दियों को कहीं कचरे में डाल देते हैं तो कहीं तोड़ फोड़ देते हैं, जिससे जो है अशुभ प्रभाव उन पर पड़ता है और घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दिवाली में बचे हुए दियों का क्या करना चाहिए। साथियों, ध्यान रहे, दिवाली के बचे हुए दिए ना तो कचरे में फेंकने चाहिए और ना ही घर में रखने चाहिए, क्योंकि कचरे में फेंकेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी, और अगर घर में रखेंगे तो चूंकि दिवाली के दियों में नकारात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, घर में रखना भी शुभ नहीं माना जाता। सबसे अच्छा तरीका है कि दिवाली के दियों को जल में प्रवाहित कर दें, या फिर आप दिवाली के दियों को मोहल्ले में, गली में खेलने वाले जो बच्चे हैं उनको बांट भी सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।